आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बायजू के फाउंडर रविंद्रन की बड़ी मुश्किलें, कंपनी हाथ से निकलने का खतरा बरकरार। अब ईडी ने भी कसा शिकंजा, जारी किया लुकआउट नोटिस। एटेक कंपनी बायजू के सीईओ बायजू रविंद्रन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने इमिग्रेशन ब्यूरो से सीईओ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग की है, ताकि रविंद्रन बिना बताए देश छोड़कर बाहर ना जा सकें। बायजू कंपनी पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़े कई आरोप हैं। आपको बता दें कि आज कंपनी के निवेशकों की एक बैठक होने वाली है। इस हाई लेवल मीटिंग में ये तय होगा कि बायजू रहेंगे या बाहर जाएंगे, क्योंकि कुछ निवेशकों ने रविंद्रन को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में ईडी ने फेमा के कथित उल्लंघन को लेकर दायर एक शिकायत के आधार पर बायजू की पेटेंट कंपनी और सीईओ रविंद्रन को शो कॉज नोटिस जारी किया था। मामला करीब 9,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि रविंद्रन पिछले 3 सालों से ज़्यादातर दिल्ली और दुबई के बीच यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान कंपनी को विदेशों से मिल रहे और कंपनी द्वारा विदेश में किए गए निवेश में भारी गड़बड़ी हुई है। इससे पहले जांच के दौरान ईडी को कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी बरामद हुआ था। आज होने वाली बैठक में सबकी नज़रें टिकी हैं, क्या बायजू को खड़ा करने वाले रविंद्रन बायजू से बाहर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।